गुड मॉर्निंग बाबू, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जेआरएस मंत्रा फैमिली। कहाँ पे गए हो आप लोग? गुड मॉर्निंग एवरीवन, आवाज वगैरह क्लियर है बाबू मेरा? आप लोग जरा बताइएगा स्क्रीन पर एकदम। गुड मॉर्निंग सुनीता, सत्यजीत, विवेक, किंग, सुमंत, सन्नी, मीरा, जीके राणा, आदित्य, निरंजन, सबको गुड मॉर्निंग बाबू। प्रिंसी, राजू रंजन, पवन पंडित, आप लोगों को गुड मॉर्निंग बाबू। जल्दी से आप लोग ऑनलाइन आइए बाबू, बहुत सारे लोग, बहुत सारा लेट हो गया है। इंजॉय विद निरंजन, एडमिट कार्ड आ गया सर, चलो बहुत बड़ी बात। रिमझिम गुड मॉर्निंग बाबू, रोशन, दयानंद, शुभम, दीपक, अमन, गुड मॉर्निंग बाबू आप लोगों को। आवाज वगैरह मेरा क्लियर है बाबू एकदम? जरा एक बार आप लोग थम्सअप करके बताइए। गुड मॉर्निंग रोशन, साधु सिंह ऑफिशियल, गुड मॉर्निंग बाबू। तुम्हारा नाम ही नहीं पढ़ रहे हैं बाबू, निवन दीप, क्या लिखा तुम्हारा नाम नहीं पढ़ पा रहे बाबू, साधु सिंह के नीचे जो लिखे हो। संजना गुड, सही आ रहा, शुभम, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। रवेश, रविकेश कुमार सिन्हा, गुड मॉर्निंग रविकेश, तुम भी आ गए बाबू पढ़ाई करने, चलो बहुत बढ़िया बात है। ये स्क्रीन वगैरह क्लियर है बाबू? देखो क्वेश्चन वगैरह क्लियर दिख रहा है तुम लोगों को आज, ये बड़ा बड़ा दिख रहा है। विद्या ज्योति गुड मॉर्निंग बाबू, प्रवीण गेमिंग गुड मॉर्निंग, सत्यजीत गुड मॉर्निंग, ये आज क्लियर है बाबू? बड़ा बड़ा है, तुम लोग बोले थे कि सर थोड़ा साइज बढ़ा दीजिएगा। क्या स्टार्ट किया जाए बाबू या दो चार समय बात, दो चार समय मतलब दो चार मिनट और वेट किया जाए? बहुत कम स्टूडेंट लाइव है बाबू, कल तो मोर देन 100 प्लस लाइव थे ना, आज ओनली 38 लाइव हैं। 6 AM का क्लास दीपक आज है ना बाबू, 10:15 से मैनेजमेंट का क्लास। चलिए स्टार्ट किया जाए ना, जिनको लेट, जिनको ज्वाइन करना होगा वो ज्वाइन करेंगे, है ना बाबू? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस क्लास ना, चलिए। ओ निशांत दीप, अरे यार ऐसे लैंग्वेज में लिखो निशांत, निशांत दीप गुड मॉर्निंग बाबू। सर सब सो रहा है, ओहो बाबू एग्जाम के टाइम में भी अमित सब सो रहा है बाबू, तो चलो बढ़िया है, सबका फ्यूचर सबका बहुत ब्राइट दिख रहा है मुझे, है ना? गुड मॉर्निंग सूरज। चलिए बाबू लेट्स स्टार्ट दिस क्लास, है ना? चलिए पहला क्वेश्चन। Due to attack of dry rot, the timber. तो बाबू टिम्बर पे dry rot के अटैक होने के कारण टिम्बर पे क्या असर पड़ता है हम लोगों का बाबू? वहां पे क्रैक डेवलप होता है, लकड़ी में श्रिंकेज हो जाती है, रिड्यूसेस टू पाउडर, ये लकड़ी जो है बाबू हमारा पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, और ऑप्शन नन ऑफ दीज। ये तुम लोग चीटिंग कर रहे हो यार, यहाँ पे ऑप्शन मैंने अच्छे से उसको मार्क नहीं किया ना, तुम लोग चीटिंग कर ले रहे हो। रात में फुल नाइट पढ़ता है सर, चलो अच्छा बात है बाबू, कोई इशू नहीं है। चलिए बाबू, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी रिड्यूसेस टू पाउडर इज द बेस्ट आंसर, मतलब मोस्ट सुटेबल आंसर। चलो अगला क्वेश्चन है बाबू, बिटुमिन मे बी डिजॉल्व्ड इन, ये जो बिटुमिन है बाबू हम लोग इसको किस में डिजॉल्व कर सकते हैं, मतलब बाबू इस बिटुमिन को हम लोग किस चीज में घुला सकते हैं, ये बिटुमिन किस चीज में घुलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, सोडियम क्लोराइड में, और क्या बाबू हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में, किस चीज में घुलेगा बाबू? एकदम सही, सभी का ऑप्शन नंबर सही है, सही है सोनू, विद्या ज्योति, निरंजन, अविराज, अमित, शुभम, सही है रिशु, सबका अनु, प्रिंस, शुभम, विवेक, सत्यजीत, नीरज, प्रवीण, शुभम, सही बाबू एकदम पढ़ाई की हो, ये नहीं होगा रविशंकर, क्या आंसर दियो बाबू? चलिए बाबू कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने क्लासरूम में भी मैंने आपको नोट्स में लिखवाया है बाबू, जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ाया मैंने उनको नोट्स में भी दिया था, और मैंने क्लासरूम में भी इसको बताया हुआ है। तो ध्यान रखिए बाबू, हमारा ये जो बिटुमिन है ये हमारा कार्बन डाइसल्फाइड में बाबू क्या होता है, घुलनशील होता है, ये उसी में जाके घुलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटुमिन इज जेनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये बिटुमिन बाबू हम लोगों को किससे मिलता है जल्दी से? ये तो मैंने डिटेल से बताया था ना, दो तरह का डिस्टिलेशन, एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और एक पार्शियल डिस्टिलेशन, मैंने दोनों बताया था ना बाबू। तो अच्छा ठीक है, यहां पे किस तरह का डिस्टिलेशन होता है मुझे ये भी बताइएगा, किस तरह का डिस्टिलेशन यहां पे होता है जरा आप लोग मुझे बताएंगे, मैंने आपको बताया है, सही आंसर है सबका, सही आंसर है, आप मुझे बताइए। ये हमारा ये जो बिटुमिन है बाबू ऑर्गेनिक मटेरियल से नहीं निकलता है, ऑर्गेनिक मटेरियल से जो हमें जो बिटुमिनस मटेरियल मिलता है बाबू
हम लोग उसको बोलते हैं टार। एक लकड़ी से मिलता है, एक कोयले से मिलता है ना, ये तो हम लोगों ने पढ़ा था। सिंथेटिक मटेरियल तो हम लोग अभी यहाँ पे बात नहीं करते हैं, इसका तो कुछ चर्चा ही नहीं किए थे। और हमारा ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट से निकलता है, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से कौन सा डिस्टिलेशन होता था? पार्शियली, 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 पार्शियली होगा मेट, फ्रैक्शनल नहीं होगा बाबू। फ्रैक्शनल हमारा होता है टार के केस में, जब हम लोग उसको एयर के एब्सेंस में जब हम लोग उसको गर्म करते हैं। पार्शियल मतलब क्या है, अलग अलग टेम्परेचर जोन में हम लोग क्रूड ऑयल को ले जाते हैं और वहां से मटेरियल्स को निकालते हैं, है ना, तो पार्शियल डिस्टिलेशन। सही है अभी मेरा सूरज, वाटर प्रूफिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं। चलिए अगला बाबू, बिटुमिन। बाबू ये फेल्ट मतलब नहीं पता ये क्या वर्ड यूज किया, आप इसको सीधे लिखिए ना, बिटुमिनस मटेरियल, ऐसे लिखिए, बिटुमिनस मटेरियल इज यूज्ड फॉर। ये जो बिटुमिनस मटेरियल को हम लोग यूज करते हैं बाबू, किस तरह के मटेरियल के लिए करते हैं जल्दी से बताइए, या किस पर्पज से करते हैं हम लोग? तो वाटर प्रूफिंग के लिए, डैम्प प्रूफिंग के लिए, दोनों के लिए, और हमारा क्या बाबू यहां पे नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, नाइदर एंड भी तो होगा नहीं। क्या बाबू मोस्ट सुटेबल आंसर? अमित सी सही आंसर, अमन, अभी, जितेश, एके वाई, प्रिंस, अभी सही आंसर है बाबू, सही है। शुभम ए नहीं होगा, सुना शुभम? देखिए मैंने आपको बताया था बाबू पढ़ाने वक्त कि वाटर प्रूफिंग के तौर पे तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते ही हैं। क्या करते हैं बाबू, पहाड़ी क्षेत्रों में या जिन क्षेत्रों में ज्यादा वर्षा होती है, हम लोग उनकी छतों को क्या करते हैं, बिटुमिन से वहां पे उसका पेंट कर देते हैं। मैंने बताया था कि आप रांची वगैरह वाला एरिया जाइए या हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड, तो आपको दिखेगा कि जो छतें होती हैं घरों की या जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं बाबू, वहां पे बिटुमिन का लेप चढ़ाया जाता है। और मैंने ये भी बताया था कि हम लोग इसको डैम्प प्रूफिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं नाउ, बिकॉज इट्स अ वाटर प्रूफिंग मटेरियल, है ना। तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फेनोमेना ऑफ बल्किंग ऑफ सैंड। ये बाबू बल्किंग ऑफ सैंड चूंकि आपके सिलेबस में नहीं था, बट मुझे कहीं ना कहीं लगा कि शायद इधर उधर से क्वेश्चन पूछ दे, तो मैंने इसका दो क्वेश्चन आपको करा दिया है, या आपके सिलेबस में इस साल स्किप कर दिया है, लेकिन कंपटीशन वगैरह में क्वेश्चन आता है तो मैं आपको करा देता हूं कि जो बल्किंग ऑफ सैंड किस कारण से आता है। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड इंक्रीजेज, मास ऑफ सैंड इंक्रीजेज, शेप ऑफ सैंड पार्टिकल चेंजेज, नन ऑफ दिस। तो बाबू ये शेप चेंज नहीं होता है सॉइल पार्टिकल्स का कभी भी, सॉरी सैंड पार्टिकल्स का, मास भी नहीं बढ़ता है, सिर्फ और सिर्फ उसके वॉल्यूम में परिवर्तन आता है। और ये जो वॉल्यूम में ये जो परिवर्तन आता है ना बाबू, ड्यू टू मतलब ये जो सरफेस सैंड पार्टिकल्स के सरफेस के साथ वाटर क्या होता है ना, ड्यू टू एडहेशन चिपक जाता है, और इसके कारण ये जो हमारा सैंड का जो वॉल्यूम है आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ जाता है, उसके ओवरऑल मास में कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन सैंड के वॉल्यूम में परिवर्तन हो जाता है। तो इसीलिए बाबू जब हम लोग कंक्रीट मिक्सिंग का काम करते हैं, जब कंक्रीट मिक्सिंग का काम करते हैं तो हम लोग कभी भी वॉल्यूम के बेसिस पे एग्रीगेट्स को मेजर नहीं करते हैं, वेट के बेसिस पे मेजर करते हैं। इसीलिए चूंकि वॉल्यूम पे लेने पे थोड़ा सा फॉल्स रीडिंग आ जाता है, और वेट के लेने पे हमारा फॉल्स रीडिंग नहीं आएगा, तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, बल्किंग ऑफ सैंड इज कॉज्ड ड्यू टू, ये जो बल्किंग ऑफ सैंड बाबू हमारा होता है इसका रीजन क्या है? विस्कोसिटी के कारण, एयर वॉइड्स के कारण, क्ले कंटेंट के कारण, और हमारा क्या हो, सरफेस मॉइस्चर के कारण। ये मैंने अभी आपको बताया था कि सरफेस पे सैंड पार्टिकल्स के सरफेस पे पानी चिपका रहता है, उसी के कारण होता है। याद रखिएगा हमारा ये जो बल्किंग ऑफ सैंड होता है ना बाबू, ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, क्या पता है, और देखिए ऑब्जेक्टिव का दायरा बड़ा होता है बाबू, ये एकदम जरूरी है कि एकदम 100% क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही देगा, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। तो इसलिए मैं एक दो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ आपको बता दे रहा हूं। तो ये जो बल्किंग ऑफ सैंड होता है बाबू हमारा सरफेस मॉइस्चर के कारण होता है ना। चलिए, सैंड जेनरली कंटेन्स सॉल्ट इफ इट इज ऑब्टेंड फ्रॉम। तो बाबू कहां से हमें जो बालू मिलेगा उसमें सॉल्ट की मात्रा रहेगी, बताइए जरा आप, नाला बेड, रिवर बेड, सी बेड, ऑल ऑफ द एबव, जल्दी से। सी बेड सही आंसर है, आयुष, अभिराज, शुभम, रॉकी, सुप्रिया, संजना, किंग, व्लादिमीर पुतिन। अरे तुम युद्ध लड़ाई करो यार, तुम क्लास क्यों कर रहे हो, यूक्रेन पूरा खतरा में डाल के तुम यहाँ क्लास कर रहे हो। विद्या ज्योति सही है, अभिराज, संतोष, प्रीति, रविशंकर,
सोनू सनी नीतीश, नीतीश गलत आंसर है बाबू, ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा कभी। अरे तुम नदी से, नदी के बेड से जो बालू मिलता है क्या उसमें कभी हमारा सॉल्ट रहेगा क्या? नदी के पानी में सॉल्ट कहाँ रहता है बाबू, है ना? तो ये नहीं होगा बाबू, है ना? तो ध्यान रखना है। तो शुभम सूरज प्रिंसी रविशंकर सही है बाबू आप लोगों का मैक्सिमम। चलिए मैं जिनका नाम भी नहीं पढ़ा बस सही है। एच आर सैड एंड फनी वीडियो मुकेश। चलिए बाबू, चूंकि बाबू समुद्र का पानी नमकीन होता है, उसमें सॉल्ट की मात्रा मौजूद होती है, तो उस नदी के पानी के चारों तरफ हमें जो मिट्टी मिलेगी तो उसमें भी हमारा क्या होगा बाबू, या वहां पे जो सैंड मिलेगा उसमें भी हमारा सॉल्ट का कंटेंट होगा, है ना? चलिए, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ सिल्ट अलाउड इन सैंड टू बी यूज्ड इन कंक्रीट। आप लोग पूरा क्वेश्चन में एक बस रट लिए बाबू, है ना? लॉजिक मतलब याद रह नहीं रहा जो मैंने कॉपी में नोट्स वगैरह बनाया। ये क्वेश्चन थोड़ा नोट्स से नहीं है, एक दो क्वेश्चन बोले वो इधर उधर से बाहर रहने का संभावना रहता है, तो आपको थोड़ा कॉपरेट करना पड़ेगा। इसका आंसर जैसे आपको नहीं पता है, मैंने नहीं पढ़ाया था नोट्स में, जैसे 5%, 10%, 8%, 2%, इसका आंसर होगा बाबू 8%। याद रखिएगा हमारे सैंड में, है ना, जिस सैंड का प्रयोग बाबू हम लोग कंक्रीट को बनाने में करेंगे ना, उसमें 8% से ज्यादा सिल्ट अलाउड नहीं होना चाहिए। मैंने पढ़ाने के दरमियान मैंने एक चीज बताया था, ये बताया था कि सैंड में ज्यादातर हम लोग कोशिश करेंगे कि फाइन पार्टिकल्स वाले सैंड, मतलब जो सॉइल है उसकी मात्रा कम से कम हो। सिल्ट एंड क्लेज आर नॉट अ डिजायरेबल मटेरियल इन सैंड। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा सिल्ट और क्ले जितना से ज्यादा कम से कम हो। तो एकदम मैक्सिमम जो मात्रा अलाउड है बाबू 8 भी नॉर्मली अलाउड नहीं रहता है, 3-4% तक एक्सेप्टेबल होता है, 7-8 वाले को भी मतलब थोड़ा लॉस कर देता है, तो ध्यान रखिएगा। हाँ आयुष, क्ले भी और कम होता है बाबू, है ना? एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स टू मेक ब्रिक्स इज नोन एज। क्या होगा बाबू? इसका बहुत जगह आंसर गलत है, बहुत जगह आंसर सही दिया हुआ है, तो थोड़ा लोगों को कंफ्यूजन होता है, मैं आपको बताऊंगा। रविशंकर सही आंसर है बाबू, 3-3 बार जवाब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं एक बार में पढ़ दूंगा। राजू रंजन नवादा सही आंसर है बाबू, संतोष कौशल सोनू रविशंकर सुप्रिया संतोष जितेश सही आंसर है, शनि मयंक रॉकी पवन पंडित संजना। चलिए बाबू, पगिंग, ये भी चूंकि प्रोसेस आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने इस पोर्शन को डिस्कस नहीं किया था, ये पोर्शन स्किप कर गया है। आपके एग्जाम में तो ये प्रोसेस नहीं देगा लेंदी वाला, बट शायद एक दो ऑब्जेक्टिव शायद छेड़छाड़ कर दे, तो इसलिए थोड़ा जान के रखना है बाबू। तो देखिए, लोगों को दो स्टेप में कंफ्यूजन होता है कि इसको पगिंग बोलेंगे या नीडिंग बोलेंगे। लोगों को नीडिंग में भी कंफ्यूजन होता है बाबू, नीडिंग भी बहुत जगह आंसर रहता है, ध्यान रखिएगा। नीडिंग मतलब क्या होता है ना, गूंथना। हम लोग जो आटा को गूंथते हैं ना घर में बाबू रोटी को बनाने के लिए, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं नीडिंग। तो क्या करते हैं बाबू, सॉइल में सभी तरह के इंग्रेडिएंट्स को मिला दिए हम लोग, पगिंग को एक तरीके से ब्लेंडिंग भी बोला जाता है। तो जब ब्रिक में जो जो हम लोगों को एलिमेंट्स मिलाना था या जो जो मिनरल पार्टिकल्स मिलाना था, उन सारों को अगर बाबू मिला देंगे और उसके बाद उसको पानी के साथ मिला के जब हम लोग एक प्लास्टिक अर्थ तैयार करेंगे, मतलब है ना, जिससे हम लोग ब्रिक बनाएंगे, तो वो जो प्लास्टिक हम लोग ब्रिक अर्थ तैयार करेंगे उसी प्रोसेस को बोलते हैं नीडिंग। पानी डालते जाएंगे उसको गूंथते जाएंगे, या तो क्या करते हैं बाबू, लोग अपने पैर से चढ़ के उसको उस पर पूरा चलते रहते हैं, या फिर गुड मॉर्निंग राकेश, या बाबू क्या करते हैं उसको जान एक बैल को चारों तरफ क्या करते हैं उस मिट्टी पे चलवाते रहते हैं, पानी छिड़कते जाते हैं, उसी प्रोसेस को बोलते हैं नीडिंग। ऑयल पेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू, है ना, थोड़ा पढ़ लेना, क्वेश्चन वगैरह आने का संभावना रहता है शोर में। तो याद रखिए बाबू, ये पगिंग, और पगिंग का अगला स्टेप होता है नीडिंग। पगिंग के बाद जब मिट्टी में पानी वगैरह मिलाएंगे तब हमारा जाके होता है नीडिंग, और नीडिंग का अगला स्टेप हमारा होता है बाबू मोल्डिंग। जब हम लोग क्या करते हैं ब्रिक को, जो हमारा जो एक जो मोल्ड होता है, जो हमारा जिसको बोलते हैं ना सांचा होता है या फर्मा होता है, उसमें इस नीडिंग किए हुए मिट्टी को डालते हैं और ब्रिक के शेप में किए हुए मिट्टी को वहां से निकालते हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग आदर्श राजा। फ्रेम, एकदम मुकेश सही बोले बाबू, फ्रेम फर्मा गांव में बोलते हैं हम बोलचाल की भाषा में, या जिसको सांचा भी बोलते हैं। सर पेंटिंग और प्लास्टिंग का वीडियो कब अपलोड होगा? आज होगा, आज अपलोड होगा सुप्रिया। कल बाबू वो मैंने फ्लोनेट वाला वीडियो अपलोड हो गया बाबू, है ना, और वो कोर कटर मेथड वाला भी वीडियो, तो आप लोग देख के फिनिश कर लीजिएगा। तो सॉइल मैकेनिक्स इज नाउ कम्प्लीटली फिनिश्ड, एक दो छोटा छोटा जो टॉपिक छूटा हुआ था पहले अपलोड हो गया है, आप लोग देख लीजिएगा उसको। गुड मॉर्निंग अंजलि, गुड मॉर्निंग बाबू, गुड मॉर्निंग बाकी जो भी लोग हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये जैसे देखिए बाबू, हमारा ब्रिक 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक। ये भी जैसे सिलेबस से थोड़ा रिमूव था, तो मैंने इस पोर्शन को डिस्कस नहीं किया था, बट इस पर एक क्वेश्चन मुझे मिला तो सोचा मैंने डिस्कस कर दूं, क्या पता एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में छेड़छाड़ कर दे। मेन एग्जाम में नहीं आएगा सब्जेक्टिव वाले में कभी भी क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स।
लेकिन यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्टिव डिस्कशन कराया है। क्या बाबू? एक मिनट, ये दोनों क्वेश्चन हो गया था ना। चलिए, झामा ब्रिक सार मैंने पढ़ाया था, झामा ब्रिक क्या होता है बाबू? तो अंडरबर्न, अंडरबर्न तो नहीं होता है, ओवरबर्न। हाँ बाबू, जो ब्रिक ज्यादा जल जाता है, ओवरबर्न ब्रिक। तो जो ब्रिक ज्यादा पक जाता है या ज्यादा जल जाता है आग में, उसी को हम लोग बोलते हैं झामा ब्रिक। झामा ब्रिक बाबू बहुत ही अच्छा ब्रिक साबित होता है। बिल्डिंग मटेरियल के रूप में इसका बहुत जगह यूज होता है ना, सोलिंग स्वेलिंग वगैरह करने में, फाउंडेशन के नीचे जो हम लोग जो लेयर बनाते हैं एग्रीगेट्स को देके, उसमें इसका बहुत ज्यादा यूज होता है ना, झामा ब्रिक ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स आर यूज्ड फॉर, हम लोग जो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स को यूज करते हैं बाबू, किस पर्पस में करते हैं? ब्रिक बैलास्ट इन आरसीसी जरूरी नहीं है बाबू, इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें सेकंड क्लास वाले को प्रेफर किया जाता है। बाउंड्री वॉल्स, ये महंगा पड़ जाएगा वो, फर्स्ट क्लास ब्रिक से अगर बाउंड्री वॉल बनाएंगे महंगा पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट क्लास ब्रिक सबसे टॉप क्वालिटी का ब्रिक होता है, सेप साइज डायमेंशन वगैरह एकदम प्रॉपरली मेंटेन्ड होता है, तो बाउंड्री वॉल महंगा पड़ जाएगा, इसलिए प्रेफर नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, जिनके पास ज्यादा पैसा है प्रेफर कर सकते हैं। लो हाइट वॉल नहीं बाबू, पेवमेंट में करते हैं बाबू। पेवमेंट में क्या होता है ना बाबू, हमें बहुत मजबूत ब्रिक की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वहां पर ब्रिक क्या होगा, लोड लेने का भी काम करेगा। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं बाबू, तो फर्स्ट क्लास ब्रिक इज द टॉप क्वालिटी ब्रिक, ये सबसे अच्छा लोड वगैरह लेता है, तो पेवमेंट में यूज करेंगे। लेकिन फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास ब्रिक आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है, तो इसलिए मैंने वहां पे स्किप किया था, इसको ध्यान रखना है। कोई सिलेबस दे, कोई पिछले साल का क्वेश्चन मैं पढ़ के ये मत बोलिएगा कि सर आपने स्किप कर दिया है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। बट मैंने ऑब्जेक्टिव मैं आपको करा दे रहा हूं कि एग्जाम है बाबू, कहीं से छेड़छाड़ कर सकता है, तो मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए इसको मैं पढ़ाया हूं। अरे आप लोग बस डी 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 ए बस ऐसे ही करते जा रहे, लग रहा है एबीसीडी में पढ़ा रहा हूँ, कुछ और भी कमेंट कोई कर लिया करो यार। 88 लोग लाइव हो और मात्र 29 लाइक्स है, मतलब क्या है, या तो सेशन बाबू आपको पसंद नहीं हो रहा है, या बस आप मतलब इसको वैल्यू नहीं दे रहे हो, है ना। कम से कम लाइक तो करो यार, जितना स्टूडेंट लाइव हो कम से कम उतना तो लाइक आना चाहिए ना बाबू, मतलब बोलना पड़ेगा इस चीज़ों के लिए, बस आपको अपना बेनिफिट देखना है। जेआरएस मंत्रा यूट्यूब चैनल का कोई ख्याल नहीं आप लोगों का। अरे बाकी देखो सारे बच्चे, क्या आप लोग सारे बच्चे यहाँ पे जो क्लास कर रहे हो जेआरएस मंत्रा के स्टूडेंट हो या कोई बाहर के भी हो बाबू, जरा बताओ तो कमेंट सेक्शन में। हम लाइक कर दिए सूरज, बढ़िया बात है बाबू। रोहित जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाबू इन्हीं में से सब रिपीट होगा, मैं उसको भी कर पाऊंगा पर डे बाबू, क्यों बेफिक्र, टेंशन मत लो, मैं हूं ना सब जेआरएस। कोई ऐसा स्टूडेंट कमेंट करो बाबू जो जेआरएस के स्टूडेंट नहीं हो, तभी तो लगेगा कि सबों का बेनिफिट हो रहा है। ऑनलाइन रहते ठीक है देखो, इशू नहीं है, हम बाहर से हैं रविंद्र कुमार। चलो रविंद्र, बहुत अच्छा बाबू, कोई एकदम बाबू, अपने दोस्तों को भी बाबू अगर अच्छा लग रहा है सेशन तो बाबू अपने दोस्तों को भी बोलो कि वो भी क्लास करेंगे, है ना। सभी लोग लाइक करें एकदम, महेंद्रेश्वर अकेला, सही बात है बाबू, ऑनलाइन लिए कोर्स बढ़िया है राजू। और राही नमन, बढ़िया बाबू राही, एकदम अच्छे से क्लास करो बाबू, इसलिए तो यूट्यूब पे ले रहे बाबू कि लास्ट मोमेंट में सबको बेनिफिट हो जाए ना, तो अपने दोस्तों को बाबू ये रिकमेंड करो, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है कि सभी को बेनिफिट्स हो जाए ना, ये सबों के बेनिफिट के लिए है। चलिए बाबू, चलिए ठीक है, अब हो गया पता, चलिए क्वेश्चन में चलते हैं बाबू। जयरस मंत्रा जिंदाबाद, शुक्रिया शुक्रिया किंग जय स्टूडेंट। चलिए बाबू आइए अगला क्वेश्चन बाबू, लाइक्स बढ़ा कि नहीं यार, 74 लाइक्स, अभी भी कुछ लोग कंजूसी कर रहे हो ना तुम लोग लाइक करने में, ये गलत बात है बाबू, थोड़ा हम लोग के बारे में ख्याल करिए, लाइक करिए वीडियो को। चलिए अगर अच्छा लग रहा है तो, नहीं तो वरना नहीं। चलिए बाबू, व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ यूजिंग फ्लाइयर्स ब्रिक्स, फ्लाइयर्स ब्रिक्स को। जरा 15 के स्टूडेंट नहीं हो सोनू, कोई इशू नहीं है बाबू, ये सबों के लिए लास्ट में, इसलिए तो हम लोग यूट्यूब पे आते हैं ना कि हर को बेनिफिट हो ना, तो अपने दोस्तों के बीच में भी बताइए बाबू, उन्हें भी लग रहा है। चलिए बाबू, तो ये जो फ्लाइयर्स ब्रिक का मैंने आपको फ्लाइयर्स ब्रिक पढ़ाया था, क्योंकि आपके सिलेबस में है बाबू, आज के डेट में हम इंजीनियर लोगों को ये फ्लाइयर्स ब्रिक ही प्रेफर करना चाहिए, एंड देयर आर सेवरल रीजंस फॉर दैट, और मैंने उन रीजंस को मैंने डिस्कशन किया है जब मैंने नोट्स आपको तैयार करवाया, मैंने पढ़ाया था ऑनलाइन में, वो मैंने आपको पढ़ाया, तो वहां पे रीजन देख लीजिएगा। तो लेकिन है बाबू कि अगर फ्लाइयर्स ब्रिक्स में अगर कोई एक कमी को ढूंढना चाहें, तो वो कमी क्या है जिसके कारण फ्लाइयर्स ब्रिक को रिकमेंड करने में हम लोगों को समस्याएं आ सकती हैं, तो क्या है बाबू, एफ्लोरेसेंस के कारण। दूसरा, ये महंगा साबित होगा, महंगा तो नहीं होता है वो फ्लाइयर्स ब्रिक, ये हमारा ब्रिक वाले, ये जो मिट्टी वाला जो ब्रिक है उससे तो सस्ता पड़ता है। अगला है एक्सपेंशन, और चौथा क्या है बाबू, नॉट साउंड प्रूफ। ये साउंड प्रूफ हो सकता है बाबू, ऐसा नहीं, ये ऑप्शन गलत है, वी कैन मेक इट साउंड प्रूफ, इस चीज को ख्याल रखना है, बिकॉज फ्लाइयर्स में जितने भी इंग्रेडिएंट्स हम लोग मिक्स करते हैं बाबू ब्रिक को बनाने के लिए, सब हमारे हाथ में होता है,
तो इसको ख्याल रखिए, तो वी कैन कंट्रोल इट्स क्वालिटी, तो आफ्टर दैट वी कैन मेक इट साउंड प्रूफ। तो बाबू इसमें एक्सपेंशन की घटना होती है, यहाँ पे हम लोग बोले थे ना कि स्टोन पाउडर, फ्लाइस और सीमेंट का प्रयोग करते हैं, तो ड्यू टू केमिकल रिएक्शन यहाँ पे एक्सपेंशन होने का चांसेस होता है, तो जिसके कारण जब आप एक बार बाउंड्री वगैरह तो बना लेंगे इस फ्लाइस ब्रिक से, लेकिन बरसात वगैरह का टाइम आएगा जब वो पानी ब्रिक एब्जॉर्ब करेगा, उसके सरफेस पे जाएगा, तो ड्यू टू केमिकल रिएक्शन मे बी देयर मे बी सम चांसेस ऑफ एक्सपेंशन। अगर सही से ब्रिक बनाते वक्त अगर हम लोगों ने सही से उसका क्यूरिंग वगैरह या सही से केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने वहाँ पे नहीं होने दिया था, तो ये एक ऑप्शनैलिटी, एक ऑप्शन हम लोगों के लिए निकल कर आता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ्लोरेसेंस बाबू ब्रिक अर्थ में ज्यादा होता है, फ्लाइस वाले ब्रिक में ना इस एफ्लोरेसेंस का चांसेस कम होता है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, इन एब्जॉर्प्शन टेस्ट ऑन ब्रिक हाउ मेनी आवर्स इट हैज टू बी सोक्ड इन कोल्ड वाटर। क्या बाबू ब्रिक का हम लोग जो वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करेंगे, जैसे कि मिट्टी में हम लोग वाटर कंटेंट निकालते थे ना, वैसे ही ये ब्रिक हमारा मतलब कितना पानी सोख सकता है, तो कितने घंटे के लिए कम से कम हमको ब्रिक को पानी में डुबा कर रखना होगा। सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है, सभी लोगों का बाबू, अभिषेक, रविंद्र, रोहित, संतोष, रविशंकर, रोशन, विद्या, सुप्रिया, नीतीश, मुकेश, प्रवीण, पवन पंडित, आयुष, मुकेश, सही आंसर बाबू। एफ्लोरेसेंस तो मैंने सूरज डिस्कशन कर दिया ना बाबू। चलिए बाबू 24 घंटे के लिए रखते हैं बाबू, ध्यान रखिएगा। एफ्लोरेसेंस वाला सूरज बाबू हमारा ब्रिक वाले ब्रिक में, अर्थ वाले ब्रिक में ज्यादा होता है कंपेयर टू फ्लाइस, फ्लाइस में इसके चांसेस कम होते हैं बाबू, पहले से हम लोग इसके लिए वहां पे उसको उपाय ढूंढ के रख देते हैं। चलिए, द लेंथी फेस ऑफ द ब्रिक इज नोन एज, ब्रिक का जो लेंथी फेस है बाबू उसको क्या बोलते हैं, ये तो मैंने भर भर के पढ़ाया है, बहुत सारे पिक्चर मैंने आपको दिखाए हैं, हर एक को मैंने ड्रॉ करके भी बताया है ना बाबू, तो क्या बोलते हैं, फेस तो होगा नहीं, किंग क्लोजर तो होगा नहीं, चूंकि फेस की बात कर रहा है, बात है क्वीन क्लोजर, ये भी नहीं होगा, स्ट्रेचर, ब्रिक के लंबे फेस को, ऐसी को दूसरे वर्डों में क्या बोलते हैं बाबू, एकदम सही जवाब दे रहे हो बाबू, ब्रिक को उसके ब्रिक के लेंथ के अलोंग जो फेस होता है या ब्रिक के लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में जो फेस होता है बाबू, हम लोग उसको बोलते हैं स्ट्रेचर, और ब्रिक का उसके विद्युत के डायरेक्शन में या ब्रिक का उसके लेटरल डायरेक्शन में जो फेस होता है बाबू, हम लोग उसको बोलते हैं हेडर, ध्यान रखिएगा। अरे बाबू आप लोग थोड़ा आराम करो, मेरी बातों को भी सुनो थोड़ा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर एग्जाम में जैसे ये क्वेश्चन आए तो ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन दे देगा कि शॉर्टर फेस ऑफ द ब्रिक या फेस ऑफ द ब्रिक अलोंग द लेटरल डायरेक्शन, तो वहां पे हेडर हो जाएगा बाबू। अगर इसी क्वेश्चन को वो अगर वो घुमा के पूछना चाहे तो क्या पूछेगा कि ब्रिक का फेस अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन या ब्रिक का फेस अलोंग द लेंथ ऑफ द ब्रिक, तब जाके स्ट्रक्चर होगा। तो अलग अलग ऑप्शंस के बारे में समझ कर रखिए। अगला क्वेश्चन, हॉरिजेंटल लेयर ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स इज कॉल्ड, ये तो मैं नहीं बताऊंगा, बताओ रोहित क्या बोल रहे हो बाबू, एसटीआर हेडर, सही है सही है सही है, इसको क्या बोलेंगे बाबू, हॉरिजेंटल लेयर ऑफ ब्रिक और स्टोन, बी बी बी, ये तो मैंने बहुत अच्छे कोर्स नहीं होगा रोहित, गलत आंसर है बाबू, हाँ सी ओ ए लिखा है, तो सी ओ यू होता है बाबू, कोर्स होता है बाबू, हॉरिजेंटल लेयर, ये ब्रिक डाले, ये ब्रिक डाले, ये ब्रिक डाले, ये ब्रिक डाले, तो ये जो एक लेयर बनता है ना बाबू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, कोर्स बोलते हैं, ध्यान रखना है। और एक ब्रिक वॉल में बहुत सारे कोर्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग कोर्स मिलकर एक वॉल का निर्माण करेंगे, अगर हम लोग ब्रिक वॉल की बात करेंगे, सेम टू सेम वही होगा, ए नहीं होगा ना रोशन, ए कैसे बोल रहे हो, बेड कहां से होगा बाबू, बेड नहीं होगा, उसको बोलते हैं कोर्स। ये तुम बोल सकते हो कि एक ब्रिक वॉल में जो सबसे नीचे वाला कोर्स होगा, इट इज बिहेविंग जस्ट लाइक अ बेड, बट एक्चुअली इट इज अ कोर्स। चलिए, तो इसका आंसर होगा कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, द ब्रिक हाफ पीस टू इट्स लेंथ इज कॉल्ड, अगर लेंथ के अलोंग अगर आधा लंबाई का अगर ब्रिक हम लोग काट दें उसको क्या बोलेंगे बाबू, समझिए, जैसे ये हमारा ब्रिक है, मैं इसका 3D व्यू नहीं बना रहा हूं, इसके लंबाई को आधा कर दिए, तो यहां पे जो ब्रिक बचेगा क्या बचेगा, क्वीन क्लोजर नहीं होगा बाबू, बात समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं,
मैं क्या बोल रहा हूं, हाफ पीस टू इट्स लेंथ, हम लोग लंबाई का आधा कर दे रहे हैं बाबू। क्विन क्लोजर में क्या होता था, उसकी चौड़ाई का आधा कर देते लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में, बैट होगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी हाफ बैट। जब हम लोग इसके लंबाई का आधा कर देते थे इसको बोलते थे बैट, और जब वन क्वार्टर काटते थे तो बोलते थे थ्री क्वार्टर बैट बचा हुआ है। तो ध्यान रखना है हाफ बैट और थ्री क्वार्टर बैट। लेंथ का हाफ या विथ का, लेंथ का हाफ, लेंथ का हाफ विद्या, मैंने बोला बाबू हाफ पीसेस टू इट्स लेंथ, मतलब क्या बाबू, लेंथ का हाफ कर दे रहे हैं, लेंथ का हाफ कर रहे हैं, तो हमारा हाफ बैट, ध्यान रखना है। या बोल सकते हैं यहां पे जो कटिंग का काम कर रहे हैं हम लोग लेटरल डायरेक्शन में कर रहे हैं, लेटरल डायरेक्शन में हम लोग यहां पे कटिंग कर रहे हैं, ध्यान रखना है। चलिए अगला, ए पार्ट ऑफ अ ब्रिक ऑब्टेंड बाई कटिंग अ ब्रिक लॉन्गिट्यूडिनली इन टू इक्वल पार्ट्स। अब आपका सही आंसर है, बोलिए विद्या, अब तुम जो क्वेश्चन पूछ रहे थे बाबू यहां पे यही आएगा, अब तुम्हारे क्वेश्चन का जो तुम पूछ रहे थे यहां पे आएगा, इस बार बैट नहीं होगा बाबू। क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन को समझो, तुम लोग कंफ्यूज कर जा रहे हो ना राजू, ये क्या बोल दिया राजू, तुम क्या कर रहे हो पता नहीं, तुम लोग क्या कमेंटबाजी कर रहे हो। गोविंद क्या बोल रहे बाबू, इट इज ऑब्टेन्ड बाय कटिंग अ ब्रिक लेंथ वाइज इनटू टू पीसेस क्वीन बोला जाता है। हां सर बाबू एकदम 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 गोविंद बाबू, इसमें क्या कर रहे बाबू, ए पार्ट ऑफ ब्रिक ऑब्टेन्ड बाय, ये मान लीजिए बाबू हमारा ब्रिक है, कटिंग अ ब्रिक लॉन्गिट्यूडिनली इन टू इक्वल पार्ट, तो ब्रिक को क्या कर रहे बाबू हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में दो आधा आधा भाग में काट रहे हैं, ब्रिक को लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में दो आधे आधे पार्ट में बांट रहे हैं, या इसको दूसरे वर्ड में क्या बोलिए, ब्रिक को हम लोग उसके विद्युत के अलोंग, मतलब ब्रिक को, ब्रिक के विद्युत को दो इक्वल पार्ट में बांट दे रहे हैं, तो इसको क्या बोलते थे बाबू हम लोग, क्वीन क्लोजर। तो ऑप्शन नंबर बी, कंफ्यूज नहीं करिए बाबू, एकदम बैट और क्वीन में दिक्कत हो जाएगा। बैट मतलब क्या है, लंबाई को दो पार्ट में काट दे रहे, आधा लंबा आधा लंबा, या लेटरल डायरेक्शन में काट रहे हैं। क्वीन क्लोजर क्या होता है, चौड़ाई को आधा आधा काट दे रहे हैं, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में काट रहे हैं। तो एकदम बी क्लियर, आपके कंपटीशन वगैरह में भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से आते हैं बाबू, तो एकदम क्रिस्टल क्लियर रखिए कंसेप्ट को, अलोंग द लेंथ क्वीन क्लोजर, एकदम सही है रोहित। चलिए, ए किंग क्लोजर इज क्या है बाबू, जल्दी से, थ्री बाय फोर सही है संजना, रविशंकर, अमन, नीतीश, रिशु, राजू, रंजन, श्रुति, दयानंद, दयानंद गड़बड़ आंसर है बाबू आपका, अनु सही है, ऋशांत, रोहित, नीतीश, प्रवीण, किंग, कौशल, गोविंद, पवन, श्रुति, प्रिंसी, आशीष, हर्ष, हर्षैड, सुप्रिया सही है बाबू, विद्या ज्योति, श्रुति, रोशन, अंजलि, सोनू, गोविंद। चलिए बाबू बाकी लोगों का नाम नहीं पढ़ना, सही है। थ्री बाय फोर्थ ब्रिक यही था बाबू, ये हमारा ब्रिक था, मान लीजिए क्या करते थे, एक आधा यहां से एक आधा यहां से, ये वाला हिस्सा हम लोग क्या करते थे, गायब कर देते थे, ये हमारा क्या होता था बाबू, किंग क्लोजर। तो एक हिस्सा निकाल दिए, हमारा थ्री बाय फोर्थ ब्रिक आ गया। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द रिकमेंडेड साइज ऑफ अ ब्रिक, एक ब्रिक का जो साइज है बाबू रिकमेंडेड क्या होगा, 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर, 20 × 9 × 9 सेंटीमीटर, 19 × 9 × 9 और 19 × 8 × 8, व्हाट इज द बेस्ट। नहीं गलत है, गलत है, गलत है तुम्हारा किंग, गलत है किंग, कहां से तुम लास्ट में पढ़ लिया बाबू 19 × 8 × 8, हम तो नहीं पढ़ाए तुमको, ये तो गड़बड़ है तुम्हारा। कौशल सही, अमन भी गलत, गड़बड़ है बाबू तुम्हारा भी, 19 × 9 × 9 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर बाबू, यही हमारा ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज या ब्रिक का जो नॉमिनल साइज होता है यही है बाबू, कंफ्यूज मत करिएगा, 19 × 9 × 9 ऑप्शन नंबर सी एकदम मिस मत करिएगा, एग्जाम वगैरह में बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल हमारे, या यहीं पे पूछ देगा व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ अ ब्रिक या व्हाट इज द नॉमिनल साइज ऑफ अ ब्रिक, तो सबका यही आंसर होगा। तो एकदम कंफ्यूजन डाउट में नहीं रहना है, बी क्लियर इन योर कंसेप्ट। और यहीं पे अगर मोर्टार वगैरह ऐड कर देता है बाबू, तो मोर्टार को ऐड करने के बाद ये 20 × 10 × 10 होता है, मॉड्यूलर साइज स्टैंडर्ड होता है। अरविंद गुलशन मैंने बोला ना बाबू,
कि ये जब मोर्टार को कंसीडर करते हैं, जब ब्रिक के ऊपर जब मोर्टार का लेयर बाबू चढ़ा देते हैं थोड़ा सा, तब जाके उसका साइज हमारा 20x10x10 होता है। या बहुत जगह नॉमिनल को ही हमारा ये जो स्टैंडर्ड साइज होता है ना बाबू, मतलब जिसको मतलब वो लोग क्या करता है, बहुत जगह ऑलरेडी वो लोग प्लास्टरिंग को कंसीडर करके बोलता है, तब जाके 20x10x10 होता है। नहीं रीतिका, 19x9x9 होगा बाबू, है ना, इतना डिस्कशन करने के बाद भी। हाँ, मॉड्यूलर और बाबू स्टैंडर्ड मैंने बताया बाबू, तुम लोग वीडियो नहीं देखे हो, या तो कन्फ्यूजन में या तो रिविजन नहीं किया हो बाबू, मैंने आपको बताया है इस टॉपिक को लेके, मतलब लाइव क्लास में मतलब डिस्टर्ब मत करिए क्लास को, ये मैंने ऑलरेडी आपने या तो रिविजन सही से नहीं किया है या तो आपने वीडियो लेक्चर सही से नहीं देखा है। मैंने इन सारे चीज़ों पर मैंने वहाँ पर प्रॉपरली डिस्कशन किया है बाबू, एक बार जाके आई विल सजेस्ट यू जाके आप एक बार वहाँ पर वीडियो देखो, अच्छे से रिविजन करो, क्लासेस डिस्टर्ब हो जाएंगी, या कोई दिक्कत है तो फोन कर लो क्लास के बाद। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन, ए गुड ब्रिक शुड नॉट एब्जॉर्ब मोर देन व्हाट परसेंट ऑफ वाटर व्हेन सोक्ड। बाबू जब एक अच्छे ब्रिक को जब हम लोग पानी में डुबाएंगे तो कितना से ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, सब में इसका ओपिनियन वेरी कर रहा है, 10-15 कर रहे हो बाबू, नहीं होगा बाबू, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 15%। कंफ्यूजन नहीं रहना है, जाके एक बार आप लोग गूगल भी सर्च कर सकते हैं, बहुत जगह वेबसाइट्स वगैरह पढ़िएगा। एक अच्छे ब्रिक के लिए बाबू हमारा जो ब्रिक है वो 15% से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, और ये जो 15% बोलते हैं वो ब्रिक के वेट का बोलते हैं। अगर हमारा ब्रिक का वेट 10 किलो है बाबू, मान लीजिए अज्यूम कर रहे हैं, तो वो 1.5 kg से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, नहीं करना चाहिए उसको, अगर उसको एक अच्छा ब्रिक साबित होना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए 15%, तो एकदम अब आप लोग फिर कमेंट करके मत दीजिए, ये जो 20% बता रहा है ना आयुष, आप अच्छे से सर्च करो बाबू, वो फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए बताएगा, तो डिफरेंट समझिए, वो फर्स्ट क्लास ब्रिक है। मैं यहाँ पे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक प्रॉपर ब्रिक की बात कर रहा हूँ कि अगर एक अच्छा कोई ब्रिक एक अच्छा बिल्डिंग मटेरियल साबित होगा तो वहां पे उसका वाटर कंटेंट कितना होना चाहिए, तो 15%। आप लोग गूगल पे भी सर्च करो ढंग से, ये नहीं कि बस गूगल में सर्च किए, ऊपर में जो आंसर दिखा हम लोग उसी को देख ले रहे हैं, ये मैंने बताया भी है मैंने आपको, एक स्टैंडर्ड ब्रिक के लिए 15% होता है ना, तो 15, 16, 17 इसी रेंज में होता है, 15 से 20 जिसने भी बोला है, तो 15 आपको आंसर मार के आना है। तो गूगल में भी पढ़िए अंदर में बाबू, उसके अंदर में जाके उस वेबसाइट को क्लिक करिए कि अंदर में वो बोलना क्या चाह रहा है, बस सर्च मारे ऊपर में जो दिखा उसी को आंसर बोलेगा, नहीं तो मैंने बताया है क्लास में इस चीज को, तो ध्यान रखना है। हाँ जोगिंदर जहरीला, अरे तुम इतना जहरीला हो बाबू, सुबह सुबह इतना कड़वा बन के मत आओ, थोड़ा हैप्पीनेस लेके आओ यार। विच ऑफ द बिलो इज यूज्ड टू साउंड प्रूफ ब्रिक्स, ये याद रखिए, मैंने आपको नहीं बताया था बाबू ये टॉपिक, एक्चुअली डिस्कशन में उस टाइम नहीं आ पाया था। अब 20% बताए होंगे विद्या, तो वो बाबू एक्चुअली वो मैंने फर्स्ट क्लास ब्रिक को ध्यान में रख के बताए होंगे बाबू। एक गुड ब्रिक जब लिखा होगा ना बाबू, एक गुड ब्रिक मतलब जब एक अच्छा ब्रिक अगर शामिल होगा तो आप लोग को 15% रखकर आना है ध्यान में, इस चीज को माइंड करिए। अगर फर्स्ट क्लास ब्रिक होगा, अरे मतलब ये एक ओवरऑल एवरेज माना जाता है, देखो फर्स्ट क्लास ब्रिक तो हम लोग एक अच्छा थोड़ा सा ब्रिक बढ़िया बना दिए, ऐसा संभव थोड़ी कि उससे बढ़िया लोग नहीं बना सकते हैं, तो मार्केट में जो ब्रिक बनता है उसमें जो सबसे बढ़िया होता है हम लोग उसको बोलते हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक। तो एक ओवरऑल सीनेरियो की बात किया जाता है कि ब्रिक कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता है, एक अच्छा जब ब्रिक हो तो कितना वाटर कंटेंट लेंगे, तो इस चीज को समझिए, अंदर में बहुत सारी चीजें हैं। तो बाबू ब्रिक को साउंड प्रूफ बनाने के लिए हम लोग क्या मटेरियल मिलाते हैं, तो जिप्सम नहीं मिलाते हैं, प्लास्टिक नहीं मिलाते बाबू, टेराकोटा इज अ साउंड प्रूफिंग मटेरियल, टेराकोटा इज अ साउंड प्रूफिंग मटेरियल बाबू। तो जब इस टेराकोटा को जब हम लोग ब्रिक के साथ मिला के जब हम लोग ब्रिक को बनाएंगे ना बाबू, तो हमारी जो ब्रिक है ना वो साउंड प्रूफ बने के ध्यान रखना है। तो टेराकोटा इज ऑलरेडी अ साउंड प्रूफ मटेरियल, ये आवाज को आने से रोकता है टेराकोटा, तो जब इस टेराकोटा को मिलाकर जब ब्रिक बनाएंगे बाबू, तो ब्रिक भी तो हमारा साउंड प्रूफ बनेगा ना। हाँ बाबू टिक लग गया, इसलिए सब लोग उसका फायदा उठा के प्रिंस आंसर मार रहे हैं, मुझे पता है बाबू टेराकोटा। चलिए आइए, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिक शुड बी, हमारे ब्रिक का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है बाबू वो क्या होना चाहिए। मिनिमम 3.5, ये 3.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मैक्सिमम 3.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मिनिमम 3.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर,
मैक्सिमम 3.5 न्यूटन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ध्यान रखिए बाबू 3.5 एमपीए होता है, मैंने आपको पढ़ाया था। अब आप लोग एमपीए का मतलब जानते हैं, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर जो सी होता है बाबू, कि कम से कम 3.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर हमारा ब्रिक का स्ट्रेंथ होना चाहिए। इसके ऊपर जितना अच्छा, जितना ज़्यादा जाएगा हम लोगों को उतना बेनिफिट होगा। इस चीज़ को समझना है, तो जितना ज़्यादा ऊपर उतना बेनिफिट, लेकिन 3.5 से कम नहीं होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन बाबू, व्हाट शुड बी ऑब्जर्व्ड आइडियली व्हेन टू ब्रिक्स आर स्ट्रक टुगेदर। तो बाबू जब दो ब्रिक को एक दूसरे से टकराएंगे तो हम लोगों को वहां पे क्या ऑब्जर्व करना चाहिए या किन चीजों पे हम लोग ख्याल रखेंगे जब दो ब्रिक को आपस में टकराएंगे। तो मैंने बताया था ना बाबू कि दो ब्रिक अगर अच्छा होगा, दो ब्रिक को अच्छा होने के लिए जरूरी है कि जब उनको आपस में टकराएंगे तो एक मेटालिक साउंड या एक रिंगिंग वाला साउंड आना चाहिए। ये तो मैंने आपको ब्रिक के प्रॉपर्टी में ही पढ़ाया है। तो ऑप्शन क्या है, डल साउंड। डल साउंड आया मतलब ब्रिक अच्छी नहीं है। साइड से सेटर, अगर ब्रिक का साइड टूट गया तो मतलब ब्रिक अच्छा नहीं है बाबू, ब्रिक कमजोर था इसलिए तो उसका साइड टूट गया। तीसरा क्या, क्लियर रिंगिंग साउंड एकदम यही होना चाहिए बाबू, या जिसको हम बोलते हैं मेटालिक साउंड, तभी जाके वो एक अच्छा ब्रिक साबित होगा। ब्रिक ब्रेक, ब्रिक अगर ब्रिक हमारा ब्रेक कर गया तो अच्छा ब्रिक नहीं है ना बाबू। तो ऑप्शन नंबर सी, क्लियर रिंगिंग साउंड इज आवर आंसर। मेटालिक साउंड या एकदम रिंगिंग साउंड एकदम सही है रितिका। चलिए नाइस क्वेश्चन, शुक्रिया आशीष, अंकित कुमार, हाय सुप्रिया। अंकित तुम उसको जानते हो क्या बाबू? नहीं जानते हो तो ये सब लंथ फंथ कोचिंग में मत करो, तुम्हारा डिटेल निकाल के तुमको ब्लॉक भी करेंगे, तुम्हारा एडमिशन भी कैंसिल करेंगे। क्लास करने आए हो तो क्लास करो, लंथ फंथ आगे ग्रुप में ये सब मत करो, ठीक है ना। क्लास करने आओ, सीरियस हो, एग्जाम का टाइम है, यही लंथ फंथ करने के लिए गार्जियन तुमको पैसे दे रहे हैं क्या बाबू? जैरस मंत्रा में ये सब एटलीस्ट मत करो, भगा देंगे, एडमिशन कैंसिल कर देंगे। पूरा तुम्हारा स्क्रीनशॉट हम ले रहे हैं, पूरा तुम्हारा डिटेल लेके हम। ये सब लंथ फंथ मत करो, पढ़ने आयो, पढ़ाई करो। ये सब करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, यहाँ पे पीटेंगे भी। अगर ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट रहते तो बहुत पीटते हैं। चलो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एन ऑयल पेंट इज, एक ऑयल पेंट का बाबू हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका क्या होगा बाबू? पीछे से मिडिल का क्वेश्चन, ओहो मिडिल का क्वेश्चन छूट गया। चलिए हाउ इज द हार्डनेस ऑफ ब्रिक टेस्टेड, ब्रिक का जो हार्डनेस है बाबू उसको कैसे हम लोग करते हैं? टपका दीजिए, एकदम से नहीं टपका देते, सामने रहता बाबू टपका ही देते हैं। ऑफलाइन क्लास में जो स्टूडेंट है बाबू पूछो उनको कितना पीटते हैं हम लोग, है ना। तो डिसिप्लिन में रखते हैं बाबू, ऐसे करोगे तो यहां पे नहीं चलेगा, मेरे यहां तो नहीं चलेगा बाबू काम, पीट के भगा देंगे। तो ये जो हार्डनेस निकालते हैं बाबू ब्रिक का कैसे, ये तो मैंने पढ़ाया भी है बाबू क्लास में, है ना। फिंगर नेल से आप किसी भी सरफेस को फिंगर नेल से जाकर स्क्रैच कीजिए, अगर वहां पे मार्क आ गया तो मतलब वो हार्ड नहीं है, लेकिन अगर वहां पे मार्क नहीं आया फिंगर नेल से स्क्रैच करने के बाद मतलब वो हार्ड है। तो ऑप्शन नंबर ए यूजिंग फिंगर नेल, इसी का ख्याल रखना बाबू। चलिए जल्दी से, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एन ऑयल पेंट इज, एक ऑयल पेंट का एक आइडियल ब्रिक हार्ड होना चाहिए। एकदम पुष्पांजलि एकदम सही आंसर, एकदम सही बोल रही हो बाबू। इसके लिए बाबू टफनेस को चेक करने के लिए बाबू हम लोगों का पास बाबू यूटीएम मशीन आता है, हम लोग यूटीएम मशीन की मदद से बाबू उसके टफनेस को हम लोग चेक करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एन आइडियल पेंट, थिनर, वेकेल और उसका पिगमेंट पार्ट। पिगमेंट क्या होता है बाबू? जो हमारे पेंट में क्या करता है, कलर देने का काम करता है। और इस पिगमेंट को, चूंकि पिगमेंट एक तरह का सॉलिड मटेरियल होता है बाबू, ध्यान से सुनिएगा, आप लोग आंसर पे फोकस मत करिए, मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसको समझिए पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूं। ये पिगमेंट हमारा क्या होता है बाबू? पेंट में कलर देने वाला कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। इस पिगमेंट को हम लोग जिसमें घुलाते हैं, चूंकि ये तो एक सॉलिड ड्राई मटेरियल होता है, तो इस पिगमेंट को हम लोग जिस चीज में हम लोग घुलाते हैं, जो बेस होता है हम लोग उसको बोलते हैं वेकिल। इस पिगमेंट को हम लोग वेकिल में मिला के क्या करते हैं बाबू? एक यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है बाबू। तो इस पिगमेंट को वेकिल में मिला के क्या करते हैं बाबू? हम लोग एक गाढ़ा लिक्विड, एक विस्कस पेंट का निर्माण करते हैं। एक विस्कस पेंट का निर्माण किए और फिर आप लोग घर में देखते हैं कि ये विस्कस पेंट बहुत बार दीवार पे मारने में हमें परेशानी होती है, तो इस विस्कस पेंट के विस्कोसिटी को घटाने के लिए या इसको पतला करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बाबू?
थीनर का यूज करते हैं, तो थीनर के रूप में बाबू हम लोग क्या करते हैं, भेज देंगे श्रीकांत राज। तो बाबू ये जो थीनर के रूप में हम लोग क्या यूज करते हैं बाबू, टर्पेंटाइन ऑयल हम लोग यूज करते हैं ना, टर्पेंटाइन ऑयल आप लोग जानते होंगे, या हम लोग यहाँ पे नेफ्था भी यूज करते हैं, नेफ्थेलिन भी हम लोग यूज करते हैं, नेफ्था का भी प्रयोग करके हम लोग अपने पेंट को पतला बनाते हैं। तो इसीलिए बाबू पिगमेंट, वेकिल और थीनर ये तीनों मिलकर एक पेंट का निर्माण करते हैं बढ़िया से, टर्पेंटाइन एकदम। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच पॉलिश, ये नहीं पढ़ाए थे बाबू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मुझे मिला था, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मिलेंगे कि मतलब शायद आपको कहीं ना देखने को मिले, तो थोड़ा ध्यान रख लेना है, क्योंकि इतना सारा चीज तो बाबू थ्योरी में कवर करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ऑयल पेंट नहीं होता है ये, डिस्टेंपर नहीं होता है, ये स्पिरिट वार्निश होता है बाबू, ध्यान रखना है। हमारा ये जो फ्रेंच पॉलिश होता है ना बाबू, ये पॉलिश है बाबू, लकड़ी के सरफेस पे हम लोग इसका पॉलिश करते हैं, ये एक तरह का पॉलिश है हमारा, है ना। तो ये पॉलिश के रूप में हम लोग वार्निश को यूज करते हैं ना बाबू, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी स्पिरिट वार्निश इज द करेक्ट आंसर। चलिए, टर्पेंटाइन ऑयल इज यूज्ड इन पेंट्स, ये टर्पेंटाइन ऑयल को बाबू हम लोग जो पेंट में यूज करते हैं क्यों करते हैं, मैंने भी आपको बताया था, जस्ट अभी मैंने डिस्कशन किया था। वेकिल क्या होता है बाबू, वेकिल कुछ नहीं बाबू, ये जो पिगमेंट है, ये जो पिगमेंट होता है हमारा ड्राई पाउडर होता है, सॉलिड पाउडर है, तो इस सॉलिड कलर मटेरियल की मदद से हम लोग पेंट बनाएंगे ना, तो पेंट बनाने के लिए हम लोग जो एक बेस रॉ लिक्विड लेते हैं ना, जो एक बेस मटेरियल वाला लिक्विड लेते हैं उसी को बोलते हैं वेकिल। इसी वेकिल में क्या करते हैं, पिगमेंट को मिला के, पिगमेंट को मिक्स करके हम लोग पेंट का निर्माण करते हैं। तो जो लिक्विड मटेरियल तुमको पेंट में देखने को मिलेगा वो तुम्हारा वेकिल होगा, जिसमें कि हम लोग लिंसिड ऑयल वगैरह को यूज करते हैं, हमारा जो तीसी का तेल, जो अंडी का तेल होता है उसको यूज करते हैं, है ना। तो टर्पेंटाइन ऑयल बाबू हम लोग इसको थीनर की तरह यूज करते हैं, मैंने अभी बताया था, तो टर्पेंटाइन ऑयल हमारा थीनर की तरह यूज होता है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन, स्टुको पेंट आर सूटेबल फॉर, स्टुको पेंट बाबू हम लोग किस चीज में हम लोग यूज करते हैं, ये भी एक्चुअली पेंट में हमारा शामिल नहीं था, हमारे सिलेबस में स्टुको पेंट नहीं पढ़ना है, बट मुझे लगता है कि ऑब्जेक्टिव में छेड़छाड़ कर देगा ना बाबू, तो इसलिए मैं इनको पढ़ा दे रहा हूँ, ये हमारे सिलेबस में नहीं था स्टुको पेंट वगैरह पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे जो जो कलर, जो जो तरह का पेंट दिया हम लोगों ने वो पढ़ लिया, बट फैक्टर की सेफ्टी की तरह ऑब्जेक्टिव थोड़ा जान के रखिए, क्या पता एग्जाम में यार कहाँ से दे दे SVT, ये थोड़ा फैक्टर ऑफ सेफ्टी बना के रखना है। तो स्टोन मशीनरी में यूज होता है, और बाबू ये ब्रिक वॉल दोनों में यूज होता है, तो बेसिकली हमारा ऑप्शन नंबर ए एंड बी हमारा यहाँ पे क्या होगा बाबू, दोनों होगा, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी हमारा दोनों होगा। सर ड्रायर क्या होता है, ड्रायर बताएंगे बाबू, उसके पेंट के सरफेस को सुखाने के लिए, जल्दी से सूख जाए पेंट का सरफेस, तो वो ड्रायर होता है, मैंने बताया है बाबू आपको। चलिए, लिंसिड ऑयल इज यूज्ड इन पेंट्स, मैंने अभी आपको जस्ट बताया था बाबू, ये लिंसिड ऑयल को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रायर बाबू, पेंट के सरफेस को जल्दी से सुखाने के लिए जिस केमिकल का प्रयोग करते हैं हम लोग उसी को ड्रायर बोलते हैं और कुछ नहीं। चलिए बाबू, हाँ ड्रायर फॉर एक्सीलरेटर, उसको जल्दी से सुखाने के लिए एकदम। तो ये लिंसिड ऑयल बाबू हमारा होता है वेकिल, ध्यान रखिएगा, मतलब इसी लिंसिड ऑयल में हम लोग क्या करते हैं, अपने पिगमेंट को मिलाकर हम लोग अपने पेंट का निर्माण करते हैं, तो ध्यान रखना है। तो ये लिंसिड ऑयल हमारा है वेकिल, लेकिन जो टर्पेंटाइन ऑयल होता है बाबू वो हमारा क्या होता है, थीनर होता है, ध्यान रखना है, तो कंफ्यूज नहीं करना है, टर्पेंटाइन ऑयल हमारा थीनर, लिंसिड ऑयल हमारा वेकिल, क्योंकि ये लिंसिड ऑयल जल्दी से उड़ेगा नहीं, टर्पेंटाइन ऑयल हवा में रख दीजिए वो उड़ जाएगा कुछ वक्त के बाद। अगला क्वेश्चन, द कॉमनली यूज्ड कलर पिगमेंट इन पेंट्स इज, तो कौन कौन से आम तौर पे हम लोग पिगमेंट का यूज करते हैं बाबू अपने पेंट पे, एक हमारा एम्बर, एम्बर क्या करता है ना बाबू, हमारे पेंट को ऑरेंज कलर देने का काम करता है, येलो और ऑरेंज कलर देने का काम जो पिगमेंट करता है बाबू उसको हम लोग बोलते हैं एम्बर, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पिगमेंट हमारे सिलेबस में पढ़ना नहीं था तो इसलिए मैंने डिस्कशन नहीं किया था, है ना। तो ऑरेंज और येलो कलर देने का काम हमारा करता है एम्बर, कार्बन ब्लैक तो आप लोग जानते हैं कि ब्लैक कलर देने का काम करेगा पेंट में, और आयरन ऑक्साइड बाबू हमारा कौन सा कलर देगा बताइए, तो ये आयरन ऑक्साइड हमारे पेंट में कौन सा कलर देगा जल्दी से बताइए, आयरन ऑक्साइड हमारे पेंट में कौन सा कलर देगा, रेड, रेड रेड रेड, सुप्रिया सही आंसर है, आशीष सही आंसर है, सही है, नीचे सही है सबका, रेड आंसर बाबू है ना, तो रेड। ये एम्बर हमारा देता है येलो और ऑरेंज, कार्बन ब्लैक ब्लैक, तो इस प्रकार ये तीनों पिगमेंट है हमारा, ये तीनों पिगमेंट है, पिगमेंट है,
तो ये ऑल ऑफ द एबव इज आवर करेक्ट आंसर, ध्यान रखना है। चलिए बाबू, इन पेंट्स द पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो हमारे पेंट में जो पिगमेंट होता है बाबू वो क्या देता है, ये पेंट में हमारा पिगमेंट क्या देने का काम करेगा बाबू, तो ड्यूरेबिलिटी तो नहीं देगा, स्मूथनेस नहीं देगा, ये कलर देता है बाबू, पिगमेंट कलर देगा। किसी बच्चे ने कल फोन किया था कि सर ग्लॉसी फिनिश देगा, ग्लॉसी फेस नहीं देगा बाबू। कहीं पे अगर आपका आंसर गलत दिया हुआ है तो उसको गलत मार के आना है, पिगमेंट का काम हमेशा कलर देने का होता है, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। लास्ट, द मोस्ट ड्यूरेबल वार्निश, सबसे जो ड्यूरेबल वार्निश होता है बाबू वो कौन सा होता है, वाटर वार्निश ये तो नहीं होता है, स्पिरिट वार्निश, टर्पेंटाइन वार्निश भी नहीं होता बाबू ये तो उड़ जाएगा, ऑयल वार्निश, कौन सा होगा, डी होगा बाबू, ऑयल वार्निश। ये ऑयल वार्निश हमारा उड़ता नहीं है, स्पिरिट वाला भी वार्निश जल्दी से सूख जाएगा, उड़ जाएगा, तो ऑयल वाला जो वार्निश होता है ये सबसे ड्यूरेबल होता है, ध्यान रखिएगा। मैंने पढ़ाते टाइम आपको पढ़ाया भी था, ऑयल वार्निश इज द मोस्ट ड्यूरेबल वार्निश। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वार्निश, वार्निश का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है बाबू, जल्दी से बताइए। ड्रायर, सॉल्वेंट और रेजिन, ए तो नहीं बाबू, ड्रायर सिर्फ थोड़ी होता है रेजिन वार्निश बाबू, वार्निश तो हमारा बनता ही है सॉल्वेंट और रेजिन की मदद से। हम लोग वार्निश बनाने के लिए क्या करते हैं बाबू, इस रेजिन को सॉल्वेंट में मिलाते हैं और बाद में हम लोग उसमें ड्रायर को ऐड करते हैं जल्दी से उसको सूखने वगैरह के लिए, उसके रेट ऑफ ड्राइंग को एक्सेलरेट करने के लिए। सब ऑप्शन शो नहीं कर रहा है बाबू, किसी में कट जा रहा होगा, है ना। तो ऑल ऑफ द अबव, रेजिन, सॉल्वेंट और ड्रायर, सब के सब हमारा ऑप्शन में होगा ऑल ऑफ द अबव। चलिए अगला क्वेश्चन, ए वॉलेटाइल सब्सटेंस एडेड टू अ पेंट टू मेक इट्स एप्लीकेशन इजी एंड स्मूथ इज नोन एज, तो क्या होगा बाबू जल्दी से बताइए। हमारे पेंट में जो वॉलेटाइल सब्सटेंस हम लोग मिक्स करते हैं ताकि हम लोग क्या करेंगे बाबू, अपने पेंट को इजी और स्मूथ बना दें, उसको क्या बोलेंगे जल्दी से बताइए। बेस तो नहीं मिलाएंगे बाबू, बेस तो हमारा मेन पेंट को बनाने में के काम आएगा, एक तरीके से बेस और वेकिल लगभग एक ही हो जाता है। तो सॉल्वेंट ध्यान रखिएगा बाबू, पेंट को पतला करने के लिए जो सॉल्वेंट वगैरह हम लोग यूज करते हैं तो यही हमारा वॉलेटाइल सब्सटेंस होता है ना, जो कि हमारे पेंट को क्या करता है, इजी और एक स्मूथ वाला बना के देता है। अगला क्वेश्चन, ऑयल वार्निश जनरली कंसिस्ट ऑफ, ऑयल वार्निश में बाबू हमारा क्या क्या शामिल होता है, सिंथेटिक रेजिन एंड स्पिरिट, ऑयल वैक्स एंड रेजिन, कुछ समझ में नहीं आ रहा है अंकित, पढ़ाई नहीं करके आओगे बाबू तुम, कि तो तुम तो सबको हाय हेलो करते चलते हो, क्या समझ में आएगा लड़का, पढ़ाई करेगा तब तो समझ में आएगा, तुम्हारे से स्टूडेंट को समझ में आना भी नहीं चाहिए, इस चीज को ख्याल रखो। अगला क्या है बाबू, रेजिन, ऑयल एंड टर्पेंटाइन, अगला है बाबू स्पिरिट, ऑयल एंड वैक्स, पढ़ के आओगे तभी तो क्लास में समझ में आएगा जी, ऑयल पेंट वगैरह पढ़ के आओगे तभी तो बाबू ये हमारा वार्निश किस किस चीज से बनता है, मैंने अभी बताया था रेजिन, ऑयल और टर्पेंटाइन। टर्पेंटाइन बेसिकली हमारा एक तरह का ड्रायर मानिए इसको आप, तो टर्पेंटाइन एक तरह का ड्रायर है हमारा, रेजिन तो होता ही है बाबू, ऑयल होता है, वैक्स थोड़ी मिलाते हम लोग अपने रेजिन में, तो रेजिन और ऑयल और साथ में टर्पेंटाइन एज अ ड्रायर के तौर पे हम लोग बाबू उसको यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द मोस्ट करेक्ट आंसर, रेजिन और ऑयल, तो ये तो एकदम फिक्स होता है। चलिए, द कॉमनली यूज्ड थिनर इन ऑयल पेंट इज, तो ऑयल पेंट में जो सबसे आम तौर पे जो थिनर होता है उसको क्या करते हैं। आशीष बाबू ये क्वेश्चन हम क्वार्टर स्टेयर का कल कराएंगे बाबू, जिस चीज का क्लास ऑब्जेक्टिव चला उस पर डिस्कशन करो, दूसरा क्वेश्चन पर डिस्कशन मत आओ, दूसरा क्वेश्चन डिस्कशन करना है मुझे फोन कर लेना, क्लास को डिस्टर्ब मत करो बाबू। कल जब मैं ये टर्पेंटाइन को सॉल्वेंट के रूप में यूज कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं बाबू, कल जब मैं स्टेयर का क्वेश्चन कराऊंगा तो सारा क्वेश्चन मैं करा दूंगा, है ना, तो अननेसेसरी मत करो इधर का उधर, बिहेव लाइक एंड रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट, है ना। चलो बाबू, तो थिनर के रूप में क्या यूज कर सकते हैं बाबू हम लोग, नेप्था को यूज कर सकते हैं, टर्पेंटाइन को यूज कर सकते हैं, मैंने बताया भी था आपको, तो ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। नहीं बाबू, नेप्था को भी यूज करते हैं, मैंने बताया था ना अभी जब मैंने ऑयल पेंट पढ़ाया था बाबू,
कि हम लोग नेफ्था और टर्पेंटाइन दोनों को यूज कर सकते हैं। तुम्हारा ये हो जाएगा, चलिए, द पिगमेंट यूज इन पेंट्स फॉर कोरोसिव रेसिस्टेंस। तो बाबू हमारा ये जो पेंट में हम लोग जो पिगमेंट यूज करते हैं जिससे कि हमारा कोरोजन के खिलाफ रेसिस्टेंस मिले, तो उसको क्या बोलते हैं? पीडीएफ दे देंगे बाबू, सुप्रिया ग्रुप में दे देंगे बाबू, है ना। तो बाबू व्हाइट लीड नहीं होता है, ध्यान रखिए बाबू, ये डायरेक्ट यहां मैं आंसर बताता हूं बाबू, रेड लीड। रेड लीड बाबू एक ऐसा पिगमेंट होता है कि ये तो कलर तो देगा ही देगा, साथ ही साथ क्या करता है बाबू, हमारे पेंट को कोरोसिव रेसिस्टेंट बना के देता है। मतलब वो लोहा वगैरह के सरफेस पे, स्टील वगैरह के सरफेस पे क्या है ना बाबू, कोरोजन लगने नहीं देगा। तो इसलिए जब भी मार्केट में आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखेंगे कि जब वो प्रचार करता है कि कोरोजन रेसिस्टेंट पेंट, तो आप समझ जाइएगा कि उसमें रेड लीड मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो रेड लीड इज दैट पिगमेंट विच गिव्स कोरोजन रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी टू द पेंट, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी रेड लीड इज द करेक्ट आंसर। चलिए बाबू, पेंट्स विथ व्हाइट लीड बेस आर सूटेबल फॉर पेंटिंग। तो ये जो बाबू पेंट्स विथ व्हाइट लीड बेस आर सूटेबल फॉर पेंटिंग, ये धोनी किसको बोल रहे हो अंकित? तुम पता नहीं, तुम लगा इधर उधर का ही बात करते हो ग्रुप में और कुछ नहीं, क्लास करने तुम आते नहीं हो। तो बाबू ये जो पेंट में अगर हम लोग व्हाइट लीड को बेस की तरह यूज करेंगे तो वो किस तरह के पेंटिंग के लिए ज्यादा सूटेबल होगा? तो वुड वर्क के लिए सूटेबल होगा, आयरन वर्क के लिए सूटेबल होगा, कि दोनों के लिए? ध्यान रखिए बाबू, व्हाइट लीड को जब हम लोग यूज करते हैं तो सिर्फ वुड वर्क के लिए सूटेबल होता है। हम लोग इस व्हाइट लीड को आयरन के वर्क के लिए, लोहे वगैरह के सरफेस पे पेंटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। हर जगह बोथ दिया हुआ है तो आंसर सी नहीं होगा, ये आप लोग गलती मत करिए। ये जब हम लोग बाबू व्हाइट लीड को पेंट में बेस की तरह यूज करेंगे तो ये जो पेंटिंग होगा हमारा सिर्फ और सिर्फ वुड वर्क के लिए सूटेबल होता है। ये जो व्हाइट लीड होता है आयरन सरफेस पे पेंटिंग के लिए सूटेबल नहीं होता है। व्हीट, अरे व्हाइट लीड इज अ बाबू एक बेसिक इंग्रेडिएंट, एक बेसिक मटेरियल है जो कि जिससे जिसको मिक्स करके हम लोग पेंट तैयार करते हैं बाबू, और कुछ नहीं। ये सारा चीज एक्चुअली हमारे सिलेबस में नहीं था इसलिए मैंने सिलेबस में आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है तो मैं सोच रहा हूँ डिस्कस कर दूं, क्या पता आपके एग्जाम वगैरह में आ जाए। तो ये एक बेस है पेंट का, तो इस तरह एक इंग्रेडिएंट, सी नहीं होगा अंकित, ये आयरन वर्क के लिए सूटेबल नहीं है बाबू, वुड वर्क के लिए सूटेबल है। चलिए बाबू आज का सेशन खत्म, ये क्वेश्चन हो गया। कैसा लगा बाबू आज का सेशन? जस्ट रिकमेंड, गिव मी योर एक्सपीरियंस, देखते हैं आप लोगों को बाबू कैसा ये लगा, क्या लग रहा है कि ऑनेस्ट ओपिनियन देखिए बाबू, बेनिफिट हो रहा है आपको, कंटिन्यू किया जाए, जल्दी से आप लोग एक रिप्लाई दीजिए। आप लोग बढ़िया लगा, थैंक यू आप लोगों को बाबू, शुक्रिया। मतलब कंटिन्यू किया जाए ना बाबू, आप लोगों को बेनिफिट हो रहा है ना एग्जाम के, एग्जाम को ध्यान में रखकर। चलिए हो गया बाबू, एकदम हो गया, हो गया, चलिए एकदम, आप लोगों को भी धन्यवाद धन्यवाद। एक बार नाम ले लीजिए, विक्रम, विक्रम जोगिंदर जहरीला बाबू, अपना नाम चेक कर लो, ठीक कर लो विक्रम, तुम विक्रम ही हो बाबू। चलिए बाबू ये बड़े रिविजन करवाएंगे बाबू, चलिए चलिए बाबू आज का सेशन हम लोग फिनिश करते हैं। चलिए हम लोग सॉइल मैकेनिक्स का क्लास 35-40 मिनट के बाद जो है आप लोग उसमें प्रेजेंट रहिएगा, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए इसके बाद हम लोग सॉइल मैकेनिक्स के क्लास में हम लोग मिलते हैं, थैंक यू, इस सेशन को मैं एंड करता हूँ। मुकेश झा नाम ले लिया बाबू, है ना बाबू, चलो।